हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे देख सकते हो डायमंड वॉल पे जो नया बंडल है आ चुका है, वायलेट फ्लेम बंडल करके। तो मैं आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आपको ये बंडल मिल जाएगा, वो भी बिना डायमंड खर्चे। तो इस ट्रिक को जानने के लिए बिना स्किप करे देखते रहना वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में जो बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर देना। तो गाइस, आज मैं जो ट्रिक्स की बात करने वाला हूँ उसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, आप जिस भी कैरेक्टर में खेलते हो जैसे कि हयात हो गया, एंटोनियो हो गया, उस कैरेक्टर को आपको चेंज करना है। कैरेक्टर को आपको जाना है, चूज़ कैरेक्टर करना है। यहाँ से आपको जो है ये एडम वाला कैरेक्टर लेना है। जी हाँ गाइस, आपको एडम वाला कैरेक्टर लेना है क्योंकि गाइस जो गरीना के साथ कुछ अलग ही फंडा है। यहाँ पे जो रेगुलर प्लेयर होगा या फिर जो डायमंड से कैरेक्टर परचेस करता होगा उसको रेयर चांसेस मिलना पहले चांसेस में बहुत ही मुश्किल है, उसको फ्री में उनको मिलना बहुत ही मुश्किल है। सो उसके ऑपोजिट अगर कोई नया प्लेयर होगा और इनएक्टिव प्लेयर होगा उसको ये लोग ज़्यादा रेयर चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं ताकि इनका अटेंशन गेन कर सके गेम के ओर। सो बस यही था। तो आप जो जब डायमंड रॉयल और गोल्डन रॉयल आप स्पिन करें तो खास करके डायमंड रॉयल आप ये एडम कैरेक्टर ले लें, क्योंकि ये इसमें आप गरीना को लगेगा कि आप ज़्यादा अच्छे नहीं खेलते हो तो थोड़ा नूब टाइप के हो, तो आपको ये ज़्यादा प्रोवाइड कराएगा। सो देखो गाइस, इसमें अब हम डायमंड रॉयल में अपना लक ट्राई करने जा रहे हैं, तो देखो क्या होता है। तो जैसे देख सकते हो मेरे पास 15 डायमंड वाउचर है, मैंने जमा करके रखे थे। तो पहले 5 सिंगल सिंगल करेंगे, उसके बाद 10 करेंगे, इतना भी शायद नहीं करना पड़ेगा। देखो तो पहले कर दिया, देखो ये मास्क मिला मुझे। तो सेकंड करते हैं, तो पेंट मिल गया, ठीक ही है यार, तो दे दो को यार। ठीक है, तो 10 का कर लेते हैं इस बार, देखो मिलता है कि नहीं। अगर नहीं मिला तो नहीं मिला। क्या नहीं मिला? दे आपका इमोट मिल गया, इस बंडल नहीं मिला, गोल्डन निकला था यार, समझ गया मिल जाएगा। और एक बार कर लेते हैं यार, नहीं मिला क्या? 15 बूस्ट हो गए। तो गाइस यहाँ पर जैसे देख सकते हो डायमंड लिखा है, डायमंड से नहीं करना है हमको। देखते हैं यहाँ पर कोई गोल्डन वाचर मिलेगा क्या। एक गोल्डन वाचर मिल गया, 2 मिल गए, इस पर ट्राई करते हैं। निकल यार, ओ तो नहीं निकला। तो गरीना वाले, तो गाइस ये ट्रिक जो था मेरे पे काम कर गया था पहली बार, तो इस बार शायद मेरे पास डायमंड वाउचर कम होंगे इसलिए नहीं मिला। तो क्या मिला हमको देख लेते हैं, कलेक्शन भी जाते हैं। ये मिला 1300 में, क्या मिल रहा पैरासूट मिला, ये मिला, ट्राई कर लेते हैं नया पैरासूट। नया बॉम्ब का जो स्किन है वो मिल गया, मुफ्त में डैब आया था, डैब मिलता है। तो डैब मिल चुका है, और क्या एक नया है, ये सब मिला। देख सकते हो एक भी ढंग का चीज नहीं मिला। ड्रेस तो काफी अच्छा लग रहा है, तो देखो भाई
फ्रेंड फ्रेंड भी अच्छा ही मिला है हमको, जूता तो नहीं खेल सकता सनग्लासेस में, ठीक ही है। तो अगर आपके पास ज़्यादा डायमंड वाउचर हो सकते हैं तो आपको शायद मिल सकता है, तो मेरे पास सिर्फ 15 ही थे तो शायद इसलिए नहीं मिला। अगर आपके पास 20-25 होंगे, अगर आप 20 होंगे तो आप 10-10 कर लेना, आपको मिल जाएंगे। तो पहली बार में मेरे पास मैंने लिया था तो इस बार नहीं मिला, क्योंकि एक बार 10-10 करोगे तो आपको रेयर चांसेस बहुत ही मिलेंगे। जैसे तो मुझे इमोटी मिल गया, तो उसके बाद डायमंड जो है ग्रेनेड का जो स्किन मिल गया है, सो आप इसको ट्राई करके देखो आपको मिलेगा। मुझे नहीं मिला लेकिन आप ज़रूर ट्राई करना, देख लेना आपको मिल जाएगा। देखो गाइस ट्राई करके देखो इस ट्रिक को। तो बस आज वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, थैंक यू।